माननीय अध्यक्ष जी, जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी तब मैंने विस्तार से सबके सामने एक प्रार्थना भी की थी और अपने विचार भी रखे थे। उसके बाद सदन के प्रारंभ में जब मीडिया के लोगों से मैं बात कर रहा था तब भी मैंने कहा था कि एक सत्र हम पूरी तरह अर्थ आर्थिक विषय, देश की आर्थिक परिस्थिति, इन सारे विषयों को इस सत्र में समर्पित करें। हमारे पास जितनी भी चेतना है, जितना भी सामर्थ्य है, जितने भी बुद्धि प्रतिभा है, सबका निचोड़ इस सत्र में, दोनों सदनों में हम लेकर के आए हैं। क्योंकि जो देश दुनिया की आज जो आर्थिक स्थिति है उसका लाभ उठाने के लिए भारत कौन से कदम उठाए, कौन से दिशा को अपनाए जिससे लाभ हो, मैं चाहूंगा कि ये सत्र, अभी भी समय है, ब्रेक के बाद भी जब मिलेंगे तब भी पूरी शक्ति, मैं सभी सदस्यों से आग्रह करता हूं, हम आर्थिक विषयों पर गहराई से बोले, व्यापकता से बोले और अच्छे नए सुझावों के साथ बोले, ताकि देश विश्व के अंदर जो अवसर पैदा हुए उसका फायदा उठाने के लिए पूरी ताकत से आगे बढ़े। मैं निमंत्रित करता हूं सबको और मैं मानता हूं कि आर्थिक विषयों के इस महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत हम सबका सामूहिक दायित्व है और इस दायित्व बोध में पुरानी बातों को हम भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि आज हम कहां हैं उसका पता तब चलता है कल कहां थे। और वो भी, ये बात सही है कि जब हमारे माननीय सदस्य ये कहते हैं कि ये क्यों नहीं हुआ, ये कब होगा, ये कैसे होगा, कब तक करेंगे, ये जब सुनता हूं तो कुछ लोगों को लगता होगा कि आप आलोचना करते हैं। मैं नहीं मानता हूं आप आलोचना करते हैं, मुझे खुशी है कि आप मुझे समझ पाए हैं, क्योंकि आपको विश्वास है करेगा तो यही करेगा। और इसलिए मैं आपके इन बातों को आलोचना नहीं मानता, मार्गदर्शक मानता हूं, प्रेरणा मानता हूं। और इसलिए मैं इन सारी बातों का स्वागत करता हूं और स्वीकार करने का प्रयास भी करता हूं। और इसलिए इस प्रकार की जितनी बातें बताई गई हैं इसके लिए तो मैं विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि क्यों नहीं हुआ, कब होगा, कैसे होगा, ये अच्छी बातें हैं, देश के लिए हम सोचते हैं। लेकिन पुरानी बातों के बिना आज की बात को समझना थोड़ा कठिन होता है। अब हम जानते हैं पहले क्या कालखंड था, करप्शन आए दिन चर्चा होती थी, हर अखबार के हेडलाइन, सदन में भी करप्शन पर ही लड़ाई चलती थी, सब दूर यही बोला जाता था। अनप्रोफेशनल बैंकिंग कौन भूल सकता है, कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी कौन भूल सकता है, और संसाधनों की बंदरबाट, माय गॉड क्या करके रख दिया था। इन सारी स्थितियों में से बाहर निकलने के लिए हमने समस्याओं के समाधान खोजने के लिए लॉन्ग टर्म गोल के साथ एक निश्चित दिशा पकड़ करके, निश्चित लक्ष्य पकड़ करके उसको पूरा करने का हमने लगातार प्रयास किया है। और मुझे विश्वास है कि उसी का परिणाम है कि आज इकोनॉमी में फिस्कल डेफिसिट बनी रही है, महंगाई नियंत्रित रही है और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी बनी रही है। मैं
मैं आपका आभारी हूं क्योंकि आपने मेरे प्रति विश्वास जताया है। ये भी काम हम ही करेंगे, हाँ एक काम नहीं करेंगे, एक काम न करेंगे न होने देंगे, वो है आपकी बेरोजगारी नहीं हटने देंगे। जीएसटी का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय हो, कॉरपोरेट टैक्स कम करने की बात हो, आईबीसी लाने की बात हो, एफडीआई रिजीम को लिबरलाइज करने की बात हो, बैंकों में रिकैपिटलाइजेशन करने की बात हो, जो भी समय समय पर आवश्यकता रही है और जो भी एक दीर्घकालीन मजबूती के लिए जरूरत है, सारे कदम हमारी सरकार उठा रही है, उठाए हैं और उसके लाभ भी आना शुरू हुए हैं। और वो रिफॉर्म्स जिसकी चर्चा हमेशा हुई है, आपके यहां भी जो पंडित लोग थे वो यही कहते रहते थे लेकिन कर नहीं पाते थे, अर्थशास्त्री भी जिन बातों की बातें करते थे, आज एक के बाद एक उसको लागू करने का काम हमारी सरकार कर गए। इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़े, अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले, उसको लेकर के भी हमने कई महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं। 2019 जनवरी से 2020 के बीच 6 बार जीएसटी रेवेन्यू 1,00,000 करोड़ से ज्यादा रहा है। अगर मैं एफडीआई की बात करूं तो 2018 अप्रैल में, अप्रैल से सितंबर, एफडीआई $22 बिलियन था। आज उसी अवधि में ये एफडीआई $26 बिलियन पार कर गया है। इस बात का सबूत है कि विदेशी निवेशकों का भारत के प्रति विश्वास बढ़ा है, भारत की अर्थव्यवस्था पर विश्वास बढ़ा है और भारत में आर्थिक क्षेत्र में अपार अवसर है, ये कन्विक्शन बना है, तब जाकर के लोग आते हैं। और गलत अफवाहें फैलाने के बावजूद भी लोग उनसे बाहर निकल करके आ रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। हमारा विजन, ग्रेटर इन्वेस्टमेंट, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्रीज वैल्यू एडिशन और ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएशन पर है।